कॉरपोरेट क्रिकेट लीग आज से खिलाड़ियों संदर्शकों के बीच होगी इनामों की बारिश। बिहार की राजधानी पटना के ऊर्जा स्टेडियम में मंगलवार यानी कि आज से कॉरपोरेट कप क्रिकेट लीग का शानदार आयोजन होने जा रहा है। इसकी जानकारी सोमवार को RPS मोड़ स्थित बेली बैंक्वेट मैरिज हॉल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में हॉलीवुड अभिनेत्री नीतू चंद्रा श्रीवास्तव और आयोजन सचिव निशांत ने दी। इस आयोजन के टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन अरुण कुमार सिंह और मीडिया संयोजक रूपक कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि T20 के आधार पर खेली जाने वाली इस लीग के मैच दिवा रात्रि में खेले जाएंगे। लीग का उद्घाटन मुकाबला बासा बनाम PPSA के बीच संध्या 5:30 से खेला जाएगा। इस लीग में 6 टीमें लेंगी हिस्सा, जो इस प्रकार है: बासा PPSA, ऑफिसर्स एकादश, सर्वोदय, सिविल ऑडिट BSPHCL। आगे बताया कि प्रतिभागी टीमों को 2 पूलों में बांटा गया। सभी मैच लीग कम नॉक आउट आधार पर खेले जाएंगे। दोनों पूलों के 2-2 टॉप टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। इस लीग के विजेता टीम को चमचमाती ट्रॉफी के अलावा 1,00,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उप विजेता टीम को ट्रॉफी के अलावा 50,000 दिए जाएंगे। साथ ही बेस्ट बैटर, बॉलर, मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द लीग समेत कई आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। आयोजन समिति की ओर से भाग लेने वाली टीमों को रंगीन पोशाक दिए जाएंगे, जिसका अनावरण प्रेस वार्ता में किया गया। प्रतिदिन लीग का पहला मुकाबला दोपहर 3:00 से जबकि दूसरा मुकाबला शाम 6:00 से खेला जाएगा। वहीं हॉलीवुड अभिनेत्री ने बिहार के क्रिकेट प्रशंसकों से निवेदन की है कि वे मैच देखने और खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन को स्टेडियम पर जरूर पहुंचें। आयोजन सचिव निशांत ने बताया कि सभी दर्शकों का निःशुल्क प्रवेश है। दर्शकों के लिए आयोजन कमेटी द्वारा आकर्षक इनाम प्रत्येक मैच में रखा गया है। प्रेस वार्ता में पूर्व रणजी खिलाड़ी निखिलेश रंजन, बैंक्वेट हॉल के ओनर रोहित महर्षि आदि मौजूद रहेंगे। मैच का कार्यक्रम 3 मई BSSA बनाम PSA शाम 5:30 से, 4 मई ऑफिसर्स एकादश बनाम सर्वोदय शाम 5:30 से, 5 मई सर्वोदय बनाम BHCHCL दोपहर 2:30 से, सिविल ऑडिट बनाम BSSA शाम 5:30 से, 6 मई सिविल ऑडिट बनाम PPSA दोपहर 2:30 से, ऑफिसर एकादश बनाम BSPHCL शाम 5:30 से, सेमीफाइनल 7 मई नंबर 1 पी बनाम नंबर 2 पूल ए दोपहर 2:30 से, नंबर 1 पूल ए बनाम नंबर 2 पूल बी शाम 5:30 से। और एक स्पोर्ट्समैन का जो बात होता है वो कभी नहीं।